अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सारे लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया। देख के तो ऐसा लग रहा था कि हम भी जाके उनके साथ परफॉर्मेंस करें, और ऑलवेज गुड, बहुत अच्छा रहा। बेस्ट ऑफ लक कहूँगी और उनको ये बोलूँगी, भगवान से प्रेयर करूँगी कि वो इंटरनेशनल लेवल का ये परफॉर्मेंस करवाए। फंटास्टिक था, और मैं 2 महीने से इनसे जुड़ी थी और उनका मेहनत में देख रही थी। स्वागिता और सोनाली और स्वागिता बहुत मेहनती लड़कियां है, और मेरे आँखों के सामने मैंने 3-4 साल से मैं उनको देख रही हूँ जिस तरह वो मेहनत कर रहे हो। आगे जाके उनका बहुत प्रगति हो, यही मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। अच्छा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से अपने को रिस्पांस मिला, सारे कंटेस्टेंट्स ने भी बहुत अच्छा किया है, और मैंने जितना सोचा नहीं था उससे भी अच्छा उन्होंने किया है। हम लोग ही थे ग्रूमिंग के टाइम में भी, सेमीफिनाले में भी, तो सारे बच्चों ने अच्छा किया, और जो भी जीते वो वेल डिजर्विंग थे, सारे जीते हो। और सलोनी और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, वो दिख रही है शो में, तो बस बहुत अच्छे जा रहे हैं वो। अभी उनका नेक्स्ट भी आ रहा है किड्स के साथ वो शो, उसके लिए भी हमारे वेल विशेज उनके साथ रहेंगे। सो मैं जितना हो सकता है उतना उनको सपोर्ट हर हमेशा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ फर्स्ट पेजेंट एंड वी आर वेरी 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 ग्लैड, एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने सोचा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हुआ है सारी चीज़ें, एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो कि हमारा पार्ट बने आप हमारे ट्राई स्टार का। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड शो स्ट्रगल्स के अलावा तो सक्सेस मिलती नहीं है, तो स्ट्रगल्स में ही मजा है, और हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, 2-3 महीने की मेहनत है, एंड आज ये सक्सेस पाके हम लोग बहुत हैप्पी हैं। एंड येस, हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं किड्स फैशन पेजेंट के साथ, आई होप यू लाइक इट। होती है, हम लोगों ने हमेशा यही ट्राई किया है कि हम हर चीज़ पॉसिबल करके दिखाएं, एंड स्वागिता के साथ में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं कि जो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। सो हम लोगों ने सारी चीज़ें पॉसिबल करके दिखाई है, दैट्स इट। हम लोगों ने थीम ही ऐसी रखी थी थोड़ा सा कुछ हटके, हर फैशन पेजेंट में क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है, हम लोगों ने वो नहीं रखा था, हम लोगों ने फैशन विथ रिवॉल्यूशन का थीम रखा था कोविड के सिचुएशन के अनुसार। और जो भी फैशन के मतलब फैशन के इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, लेकिन उनको करने का मौका नहीं मिलता है, सो इसलिए हम लोगों ने थीम भी वही रखी थी जिससे लोग भी इंस्पायर हो, हम खुद भी इंस्पायर रहे, और हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेस करते जाएँ। यहाँ पे हासिल सबने किया है, जो पार्टिसिपेट किया है, जिनको कुछ मिला नहीं है, टाइटल नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने सबका दिल रखा है, सबको सर्टिफिकेट, सबको ट्रॉफी दिया है, सो आई होप कोई डिसअपॉइंट नहीं है। जो लोग इस ऐसे शो में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनमें कला बहुत होती है लेकिन इस मुकाम पर आते नहीं कुछ ना कुछ कारण से, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहिए? बस हमारा रिवॉल्यूशन ही वही था, फैशन विथ रिवॉल्यूशन। हमारे इस पेजेंट के थ्रू हम सिर्फ इतना बोलना चाहते कि टैलेंट सब में है, बस अपना शो करो। पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि अपने फैमिली को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करो, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सो प्लीज़ सपोर्ट देम, एंड ऐसे ही हम मुकाम तक उनको पहुँचाने का काम करेंगे, आप सिर्फ हमारे स्टेज तक भेज दो उनको। ट्राई स्टार का नेक्स्ट शो कौन सा रहेगा? ट्राई स्टार का नेक्स्ट शो बहुत ही जल्दी आना है, यंगस्टर पेजेंट किड्स फैशन शो, कपल्स एंड ऑल, हम लोग बहुत सारे पेजेंट करने वाले हैं और ये बहुत रेगुलर में। थैंक यू। थैंक यू। सभी मेरे विनर्स है, उनको मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी, और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज हमारा ये शो जो है ये सक्सेसफुल हुआ है, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद में जो हमारा ग्रूमर है रवि चौहान, मैं उसको सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि उसकी वजह से ये जो आज सक्सेसफुल हुआ है शो, उसका सबसे बड़ा हाथ है, तो मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूँगी।
आगे अभी हम लोगों का किड शो आ रहा है, तो हम लोग जो बच्चे रहते हैं तो बच्चों को हम लोग अभी से एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उनको स्टेज पे आने के बाद बोलना सीखे। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आगे हम लोग किड्स का शो रखेंगे और उसका नाम जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहूँगी, हर एक मम्मी पापा को मैं कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों को रोको मत, जिसमें जो टैलेंट है उनको भेज दो, उनको करने दो। बहुत प्राउड फील कर रहा है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ माई मॉम के सामने मेरे परफॉर्म करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट स्टेज शो था मेरी मॉम के सामने एंड जीत गया, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कौन सा खिताब हासिल हुआ है आपको? मुझे मिस्टर स्टार ऑफ मुंबई मिला है एंड टास्क में भी मुझे उसमें भी अवार्ड मिला है, दोनों में जीता हूँ मैं। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। थैंक यू। मैं विनर हूँ मिस की, मिस स्टार ऑफ मुंबई। क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। मुझे हमेशा से इसी फील्ड में कुछ ना कुछ जीतना था, तो विनर बनना आज इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। और मेरी मम्मा का ड्रीम था कि मैं हमेशा जीतूँ, तो उनका भी ड्रीम पूरा हो गया। वो वहाँ पे खड़े रहकर इतना ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर टीम को? थैंक यू सो मच, इतना ब्यूटीफुल हमको एक मंच देने के लिए, हमें हमारा टैलेंट दिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं फर्स्ट विनर हुई हूँ एंड ट्रॉफी क्राउन बहुत कुछ। कौन सा फर्स्ट विनर प्राइज मिला आपको? विनर हूँ मैं, फर्स्ट विनर। मिस कैटेगरी या मिसेस? मिसेस कैटेगरी में फर्स्ट विनर। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं विनर हो जाऊंगी, बट फिर भी मैं हुई। मैंने बहुत स्ट्रगल किया था ये क्राउन और ट्रॉफी लेने के लिए, बट फाइनली मैं सक्सेस हुई। उसके लिए थैंक यू ट्राई स्टार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।